दोस्तों, आजकल हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जब भी हम कभी फोटो क्लिक करते हैं तो उसके बैकग्राउंड को हटाने के लिए हम फोटोशॉप पर जाकर उसे एडिट करते हैं, तो उस पर हमें लग जाते हैं 5 से 10 मिनट या कभी कभी 15 मिनट। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप किसी भी फोटो का, अपने फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं, वो भी 5 या 10 सेकेंड पे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और आप अगर ये सोच रहे होंगे कि कैसे 5 या 10 सेकेंड पर फोटो का बैकग्राउंड हटाया जा सकता है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो आप तक पहुँच सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी रुकावट के चैनल नॉलेज बुक को। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन पर या डेस्कटॉप पर गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो ऊपर राइट साइड पर देखिए 3 डॉट है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप साइड पर कर लीजिए। फिर यहाँ पर आप सर्च कीजिए remove.bg। फिर उसके बाद सबसे पहला लिंक जो आएगा उसको सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कर। फिर यहाँ पर आप देखिए अपलोड इमेज दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप अपना हिसाब से फ़ोटो को चॉइस कीजिए किसका बैकग्राउंड आपको हटाना है। तो मैं जैसे कि ये फ़ोटो को चॉइस किया हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपलोडिंग हो रहे हैं, देखिए देखिए इसका बैकग्राउंड अब हट चुका है पूरा टोटली। तो देखिए दोस्तों, कितने कम समय पर इसका बैकग्राउंड हट चुका है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसके बैकग्राउंड पर, इसका आप टेंशन मत लीजिए। बस आप कभी एडिट करेंगे तो आपका फ़ोटो ही मूव होगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर देखिए डाउनलोड है, डाउनलोड पर आप क्लिक कीजिए। देखिए डाउनलोड हो रहा है, तो आपका ये फ़ोटो आपका मोबाइल पर या डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है। और उसके बाद आप यहाँ से भी आपके बैकग्राउंड को बदल सकते हैं, अगर आप बदलना चाहें तो। तब यहाँ पर देखिए एडिट है, तो एडिट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद अपने हिसाब से आप यहाँ से कोई भी एक चॉइस कीजिए। थोड़ा सा रुकिए, चॉइस करने का तो ऑटोमेटिकली सामने पर ही आपका प्रीव्यू आ जाएगा कि किस तरह लगेगा। ये देखिए आपका ये चेंज हो चुका है। तो यहाँ से भी आप इस फोटो को भी फिर से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर। तो उसके लिए आप फिर यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर डाउनलोड इमेज पर क्लिक कीजिए। ये फोटो भी आपका डाउनलोड हो चुका है आपके मोबाइल पर। बस दोस्तों, आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो आइए दोस्तों, चलकर देखते हैं मोबाइल पर कि ये फोटो डाउनलोड हुआ कि नहीं, वेरिफिकेशन के लिए। तो आइए देखते हैं मोबाइल पर कहाँ पर है फोटो। व्यूअल पर जाते हैं, डाउनलोड पर जाके देखते हैं। ये देखिए डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। ये देखिए दोस्तों, ये इसका बैकग्राउंड टोटली हट चुका है। तो पीछे जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। आप जब भी थंबनेल बनाएंगे या कुछ भी आप एडिट करेंगे तो आपका बस यहाँ से फोटो ही मूव होगा, उसके साथ उसके पीछे का कुछ मूव नहीं होगा, उसके आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन ये आपका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, तो ये आपका ये ऐसे ही रहेगा। बस वही मैं आपको दिखाना चाहता था कि बहुत ही कम समय पर आप अपना बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।